हेलो फ्रेंड्स, माय टेक सपोर्ट में एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गूगल मैप्स के बारे में। तो बेसिकली सभी लोग इसे जानते हैं और इसके द्वारा सभी अपने अपने प्लेस को सर्च कर लेते हैं, रास्तों को खोज लेते हैं। लेकिन जो मेन समस्या ये है कि इसमें अपने आप को हम लाइव कैसे देखें और जो हम अपना इसमें रूट कैसे सिलेक्ट कर लें। तो फ्रेंड्स, इसमें आज मैं यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसका ड्राइविंग के समय यूज़ कर सकते हैं, कोई भी रास्ता भूले ना। इसलिए तो ये हमें एक हिसाब से रास्ता सारे बताते ही जाएगा लाइव। तो इसको हम देख लेते हैं किस तरह से हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइए और वहाँ से जाके जो आपका GPS सिस्टम है, लोकेशन है, उसको यहाँ से ऑन कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया। इसके बाद बात आती है मैप्स एप्लीकेशन की। ज़्यादातर लोगों के फ़ोन में ये एप्लीकेशन मिल जाती है, लेकिन कुछ फ़ोन ऐसे हैं जिनमें गूगल मैप्स एप्लीकेशन कंपनी की तरफ से इंस्टॉल होकर नहीं आती। तो उन लोगों को क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पर जाकर और यहाँ से सर्च कर लें मैप्स, और यहाँ से मैप्स एप्लीकेशन को आप जो सेकंड नंबर पर आ रही है इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लें। फ़िलहाल मेरा इंस्टॉल करा हुआ, तो मैं आपको यहाँ से बताऊँगा कि किस तरह से हम इसको सेट करके अपना रूट सेलेक्ट कर सकते हैं और लाइव हम अपने आप को देख सकते हैं इसमें, और कोई भी कहीं भी जा सकते हैं। हमें किसी से कोई रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको देख लेते हैं किस तरह से करना है। तो इसे ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद आपको जहां भी जाना है तो आप यहां पे उस जगह को पहले सर्च कर लीजिए। जैसे कि मुझे दिल्ली जाना है तो मैं यहां से दिल्ली सर्च कर लूँगा। तो यहाँ न्यू दिल्ली पहले से ही आ गया, तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने न्यू दिल्ली सर्च कर लिया और यहाँ पर न्यू दिल्ली आ चुका है। इसके बाद मुझे क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ एक कार का आइकॉन आ रहा है और इस पर ये भी लिख के आ रहा है कि कितनी देर में हम कार के द्वारा जा सकते हैं। तो इसका जो मेरे यहाँ से रास्ता है वो 4 hours 52 minutes है। तो इसके अलावा अब मुझे क्या करना है, हमें इस कार पर ही क्लिक करना है। तो यहाँ से आप कार के आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर इसने हमें दिखा दिया कि हमारा जो भी रूट है वो कितना डिस्टेंस है उसका। तो यहाँ 257 किलोमीटर है और ये टाइम सब कुछ दिखाता है। तो यहाँ से अब डायरेक्टली हमें करना क्या है, डायरेक्टली हम यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं, बस हो गया। तो यहाँ से अब आपने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, तो अब आप अपनी जो भी कार है या कुछ भी है उसको चलाइए। उसके बाद यहाँ पे ये आपको लाइव दिखाएगा। तो यहाँ ये एरो जो आ रहा है बनके, तो ये एरो यहाँ पर लाइव चलेगा, तो इससे आपको पता लग गया है कि आप सही रूट पे हैं या नहीं है। तो उसके अलावा आप और भी इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि कार से आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कोई भी जगह देख सकते हैं। तो यहाँ से ये सर्च हो गया और ये तो फिलहाल इसका काम यहीं पे ख़त्म हुआ। इसके अलावा आप कोई भी इसमें प्लेस देख सकते हैं, कोई पेट्रोल पंप्स, अगर आपकी कार में या जो भी गाड़ी उसमें पेट्रोल पंप ख़त्म हो गया तो आप यहां से देख सकते हैं अपनी लोकेशन सेट करके, अपनी लोकेशन सेट करके कि आपके पास से पेट्रोल पंप कितनी दूर है, रेस्टोरेंट देख सकते हैं, सुपर मार्केट, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसका बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये तो पता ही है कि किस तरह से आप अपनी लोकेशन को देख सकते हो और कहीं भी कोई भी प्लेस आप सर्च कर सकते हो। तो उसके लिए भी क्या करना होगा, अगर मुझे देखना है मुंबई तो यहाँ से मुंबई सर्च कर लीजिए। उसके अलावा आप डायरेक्ट यहाँ देख सकते हैं, अभी तो केवल मैप्स आ रहा है। तो इसके अलावा अगर आपको ये सैटेलाइट व्यू देखना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, सॉरी यहाँ नहीं, तो आप सैटेलाइट व्यू देखना, तो यहाँ से आप सैटेलाइट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये सब सैटेलाइट व्यू हो जाएगा और आपको पूरा एरिया साफ साफ नज़र आने लगेगा। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ज़्यादातर लोग ये सब जानते हैं, लेकिन मुझे लगा कि कुछ लोग हैं ऐसे जो ड्राइविंग करते हैं तो उस समय सेट नहीं कर पाते, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आगे की वीडियो भी आपको तुरंत मिल जाएंगी जो भी मैं अपलोड करूंगा। देखते रहिए माय टेक सपोर्ट चैनल। थैंक यू।